तो गाइस मैंने अपना खुद का एक गिल्ड बनाया है बैक बेंचर्स नाम का। तो आप चाहिए तो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। गिल्ड आईडी आपका सामने है और रिक्वायरमेंट्स है 50 से ज़्यादा लेवल होना चाहिए और हेडशॉट रेट रैंक में स्क्वाड में 30+ होना चाहिए। बस इतना ही है रिक्वायरमेंट्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हेलो गाइस यार, तो कैसे हो यार, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो भाई लोग, आज मैं कुछ नया करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया, मतलब मैंने यूट्यूबर्स का कस्टमर चोरी ट्राई किया और उसका रिव्यू करने वाला, मतलब अच्छा है कि नहीं बताने वाला। बस 2 घंटे खेला हूँ एक एक कस्टमर चोरी में, 2 घंटे नहीं 1.5 आवर खेला हूँ। लेकिन जो मेरे को लगा वो मैं बताऊँगा मेरा ओपिनियन के हिसाब से कि अच्छा है कि नहीं। तो वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब मज़ा आएगा ऐसे भी कुछ पता चलेगा। आप चाहिए तो कुछ कस्टम एक्चुअली ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लगा और खेलने में अच्छा लगा तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और रियल में कोई नहीं बोलेगा कि इसे ही यूज़ करना। तो वीडियो का एक लाइक भी कर देना यार, बिना लाइक करके मत देना। तो शुरू। तो गैस मैंने पहले ट्राई किया टायर का कस्टमर चोरी, टायर फुएगो का। देख सकते हो आप, ऐसे ऐसे होगा कस्टमर चोरी। लेफ्ट साइड में ही जंप वाला और बैठने वाला बटन होगा। राइट वाले फिंगर से आप सिर्फ और सिर्फ फायर वाला फायर कर सकते हो। मतलब लेफ्ट हैंड से ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ये कस्टमर चोरी वन ऑफ द बेस्ट प्ले के लिए, अगर आप रश गेम प्ले करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन इसको आपको मास्टर करने में इस कस्टमर चोरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा अगर आपको इस वाले कस्टमर चोरी में मास्टर होना है तो। वरना आपको आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, या फिर आपको नॉर्मल वाला ही ये इतना पसंद नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, तो अपना अपना हाथ नहीं बैठ रहा, तो आप दूसरा कस्टमर चूड़ी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा कस्टमर चूड़ी है अगर आप रश गेम प्ले करना चाहते हो तो। मैंने अपना खुद का कस्टमर चूड़ी ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कस्टमर चूड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है अभी अभी के टाइम में। तो हम अपना दूसरा कस्टमर चूड़ी यूज़ करते हैं जो कि है गेम विथ नईम का, हमारे गेम विथ नईम का। ये अगर आप बिगनर हो, अगर आप गेम में नए हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब नए हो, अगर आप पुराने प्लेयर हो तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि गन वाला वो बदल जाएगा। 4 फिंगर वाला है ये कस्टम चूड़ी, मतलब लेफ्ट हैंड से क्विक वेपन से और राइट हैंड से जंप वाला बटन। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बिगिनर ही यूज़ करना यार, मतलब आपको गेम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा अगर आप पुराने प्लेयर हो, बहुत दिनों से आपका खुद का कस्टमर चोरी हुए प्ले कर रहे हो, क्योंकि गन स्विच वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। थोड़ा सा भी हिल गया तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो आप नए हो तो आपके लिए ये कस्टमर चोरी अच्छा होगा। अगर आप मुझे पता है कि नहीं ये कस्टमर चोरी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पहले पबजी खेलता था इसलिए वो गन वाला बटन नीचा, तो इसलिए वो ये कस्टमर चोरी यूज़ करता था। तो अब हम अगले कस्टमर चोरी बढ़ते हैं। अगला कस्टमर चोरी जो मैंने ट्राई किया है वो है 143FF का, 143FF। हाँ सही सुना आपने, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखे भी क्या करूँगा यार, मतलब मेरे से बड़ा है वो यूट्यूबर, तो उसका कस्टमर चोरी मैंने ट्राई किया। ये 4 फिंगर का है, मतलब अगर आप इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, रैंक मैच में भी आपको काम आएगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, अगर आप टूर्नामेंट के लिए भी काम आएगा। आखिरकार ये सब कस्टमर चुड़ी उसने बनाया है, लेकिन ये सबसे बेस्ट कस्टमर चुड़ी लगा मेरे को। लेकिन आपको जंप बटन जो राइट साइड में ऊपर है गन स्लॉट के बाद, उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए जो जंप वाला बटन है, वरना आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो। आपको आदत डालनी पड़ेगी इस कस्टमर चोरी में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा, वरना आप
इतना अच्छा नहीं खेल सकते इस कस्टम चुड़ी के ऊपर। अगर आप जंप वाला बटन राइट साइड में नीचे रखते हो तो अगर आप राइट साइड में ऊपर रखते हो, राइट साइड में ऊपर है उसका जंप बटन, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको कंट्रोल करना आ गया है तो आप बहुत बहुत अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा सकते हो अगर आप इसमें मास्टर कर लिया तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर देना यार। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।